नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिनांक 27 अगस्त 2019 का जो राशिफल है डेली राशिफल की। और यहां पर अब हम प्रत्येक राशि के बारे में जो है उनका राशिफल जानेंगे। उससे पहले कुछ इम्पोर्टेंट बात कर लेते हैं दिनांक 27 अगस्त के बारे में। देखिए, आज पुनर्वसु नक्षत्र है जो आज रात 1:13 तक रहेगा। आज सिद्धि योग भी है जो सुबह 9:26 तक ये सिद्धि योग रहेगा। सिद्धि योग किसी भी प्रकार के जो आपको अगर सिद्धि प्राप्त करनी है तो उसके लिए सर्वोत्तम माना जाता है और प्रभु का नाम जपने के लिए ये सर्वोत्तम माना जाता है। और इसके अंदर कोई भी कार्य जो किया गया है, कोई भी सिद्ध अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो वो सफल होता है। इसके साथ ही जैनियों के जो पंचमी पक्ष के जो पर्व है उनका पर्युषण, उसका आगाज हो गया है। और पर्युषण जो पर्व है उसको आत्मा की शुद्धि का पर्व यहाँ पर माना जाता है और ये 8 दिनों तक अब चलेगा। इसके साथ ही 8 दिनों के दौरान दूसरों से अपनी गलतियों की माफ़ी मांगी जाती है और दूसरों को माफ़ भी किया जाता है, यानी जो लोग आपसे माफ़ी मांगते हैं उनको आप माफ़ भी करते हैं। दिगंबर जैन समाज पर्युषण पर्व को 10 दिनों तक मनाता है, इसलिए इसको 10 लक्षण पर्व भी कहा जाता है। जबकि श्वेतांबर जो संप्रदाय है उसके लोग इस पर्व को केवल 8 दिनों तक मनाते हैं। तो ये थी एक छोटी सी जानकारी आप लोगों के लिए, और जानकारी कैसे लगी आप ज़रूर बताएं। इसके साथ ही अब यहाँ पर हम प्रत्येक राशि के राशिफल के बारे में बात करेंगे विस्तार से। और सबसे पहले यहाँ बात करेंगे मेष राशि की। तो एक नंबर वाली राशि है मेष राशि, और मेष राशि के जो छात्र हैं उनके लिए आज का दिन काफ़ी अनुकूल रहेगा। साइंस से जुड़े हुए जो छात्र हैं उनके लिए दिन विशेष रूप से फायदेमंद रहेगा और आपका जो रिसर्च वर्क है वो आज के दिन पूरा हो सकता है। माता पिता के साथ आपके जो बेहतर संबंध है वो स्थापित हो सकते हैं। और जॉब के मामले में आपको एक बड़ा ऑफर मिलने के साथ ही धन लाभ भी होने के संकेत मिल रहे हैं। आप बिजनेस में कहीं टूर के लिए बाहर जा सकते हैं। व्यापारी वर्ग के जो लोग हैं वो किसी समारोह में शामिल हो सकते हैं एक साथ। इसके अलावा आज के दिन अगर आप हनुमान जी को फूल अर्पित करते हैं, पुष्प, तो आपको जो है बहुत लाभ मिलेगा और सबके साथ आपके जो संबंध हैं वो बेहतर होंगे। तो ये हमने मेष राशि की बात कर ली। अब दूसरी राशि है वृषभ। वृषभ की बात करते हैं, नौकरी पैसा वाले जो लोग हैं उनको सफलता के योग रहेंगे और व्यापारियों को जो है आय के नए स्रोत मिलने की संभावना यहां पर नज़र आ रही है। आज ऑफिस में आपको सबका सहयोग मिल पाएगा और कोई काम आपका जो है मन मुताबिक पूरा होने से आपका जो जीवन साथी है वो खुश रहेगा। आज आप खुद को एक फुर्तीला महसूस करेंगे, तरोताज़ा महसूस कर पाएंगे। इसके अलावा आप अपना ध्यान आज के दिन सोशल वर्क में लगा सकते हैं, आपको किसी नए कॉन्टेक्ट से फ़ायदा होगा, आपकी उदारता लोगों को पसंद आ सकती है। इसके अलावा इस राशि के यानी कि जो वृषभ राशि है इसके जो स्टूडेंट्स टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनको सफलता ज़रूर मिलेगी। और आज के दिन आप गाय को रोटी ज़रूर खिलाएँ जिससे आपकी आय में वृद्धि होगी। अब हम यहाँ बात करते हैं नेक्स्ट जो राशि है यानी कि मिथुन राशि। और मिथुन राशि की हम बात करते हैं, अब मिथुन राशि वालों आज आपको सीनियर अधिकारी यानी अपने बॉस से सहयोग मिल सकता है। इसके अलावा परिवार में आपके गुणों की प्रशंसा हो सकती है। नई तकनीक को अपनाने से आपको काफ़ी फायदा होगा। व्यापार में वृद्धि होने की संभावना बन रही है। आपके किसी प्रोजेक्ट को बड़ा निवेश मिल सकता है कहीं से, और अपने पार्टनर के साथ आप बाहर डिनर करने का प्रोग्राम बना सकते हैं। जो लोग संगीत के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं या गायन के क्षेत्र से जो जुड़े हुए हैं उनको कहीं बड़े स्टेज पे परफॉर्म करने का मौका मिल सकता है। इसके अलावा अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो व्यापार में बहुत अच्छा लाभ कमा सकते हैं, व्यापार में वृद्धि होगी। इसके बाद बात करते हैं कर्क राशि की। और कर्क राशि जो कि कर्क राशि वाले जो जातक हैं
उनको नए लोगों से थोड़ा सा आपको संभल कर रहना चाहिए आज के दिन। किसी भी काम में घर के बड़ों की सलाह लेना बेहतर रहेगा। पढ़ाई के प्रति आपकी एकाग्रता है उसमें कुछ कमी आ सकती है और आपको अपना ध्यान भटकाने से बचना चाहिए। आपकी ज़िंदगी में कुछ बड़े बदलाव आ सकते हैं। इसके अलावा आपको बिजनेस में विरोधियों से बचकर रहना चाहिए। आज खुद को फिट रखने के लिए आपको योग जरूर करना चाहिए, इससे आपको जो है बेहतर महसूस होगा। इसके अलावा आप अगर घी का दीपक मंदिर में जलाएंगे तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया दिन ये रहेगा। उसके बाद हम बात करते हैं अगली जो हमारी राशि है करक के बाद सिंह राशि की, और यहाँ पर अब हम बात करते हैं सिंह राशि की। तो सिंह राशि वालों, आज किसी नए काम के प्रति आपका झुकाव हो सकता है। करियर के मामले में कुछ चीज़ें बेहतर होने के आसार नज़र आ रहे हैं। बिजनेस में किसी नए ग्रुप से जुड़ने पर विचार कर सकते हैं, लेकिन कोई भी डील करते समय आपको सोच समझकर जो है आगे कदम बढ़ाना चाहिए। घर वालों से किसी बात को लेकर आपका मनमुटाव रह सकता है। आप बहुत सोच समझकर अगर अपनी बात रखेंगे तो मनमुटाव दूर हो जाएगा। दूसरों से जो है आपके दूसरे जो लोग हैं वो आपकी किसी बात से नाराज़ हो सकते हैं। सेहत के प्रति आपको अपना पूरा ख्याल रखना चाहिए। और बाहर का फास्ट फूड अगर आप खाते हैं तो आज के दिन आप फास्ट फूड ना खाएं तो अच्छा रहेगा। और हनुमान मंदिर जाकर आप उनके दर्शन करें तो आज के दिन आपको बहुत ही लाभ मिलेगा। इसके बाद हम बात करते हैं कन्या राशि की। तो कन्या राशि वालों, आज आपका दिन काफ़ी अच्छा गुजरेगा। आपका मन प्रसन्न रहेगा। आपको सरकारी कामों में किसी बड़े व्यक्ति की मदद मिल सकती है। आप परिवार वालों के साथ शॉपिंग पर जा सकते हैं। किसी सामान की खरीदारी पर आपको छूट मिल सकती है। दोस्त आपके जो दोस्त हैं वो आपके आपसे किसी मामले में सलाह ले सकते हैं। आपको कुछ नए बिजनेस प्रपोजल मिल सकते हैं। और आपका जो भी पार्टनर है उसका दिन भी आपके साथ जो है घुल मिल के अच्छा रहेगा। इसके अलावा आपकी आय और खर्चों में जो है आज काफ़ी अच्छा तालमेल रहेगा। और बच्चों के प्रति आपका जो है स्वभाव नरम बना रहेगा। माता पिता का आशीर्वाद लें और पारिवारिक जो रिश्ते हैं वो आपके मजबूत रहेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं अगली राशि की, और यहाँ पर हमारी जो अगली राशि है वो है तुला। तुला राशि वालों की बात करते हैं, और तुला राशि वाले, आज आपको लाभ के कई अवसर प्राप्त होंगे, लेकिन समय निकल जाने के बाद अवसर हाथ से निकल सकते हैं। इसलिए समय और अवसर दोनों का ही आपको जो है ध्यान रखने की ज़रूरत रहेगी। इसके अलावा आप जो है अपने जीवन साथी के साथ बेहतर तालमेल रख पाएंगे। जो लोग नौकरी पेशा वाले हैं उनको थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। आपके काम को लेकर आपके जो सीनियर हैं वो नाराज़ हो सकते हैं। आज आपको अपनी भावनाओं पर थोड़ा सा काबू रखना होगा। अगर आप चींटियों को आटा डालते हैं तो आपके जो संबंध हैं सभी लोगों के साथ वो बेहतर होंगे। उसके बाद हम अगली राशि की बात करते हैं, और अगली राशि है हमारी वृश्चिक राशि। आज आपको कोई अच्छी खबर मिल सकती है। ऑफिस में आपको कोई नया कार्य मिल सकता है जिसे आप पूरा करने में सफल भी रहेंगे। परिवार के साथ मौज मस्ती में समय बीत सकता है। आपका पारिवारिक जीवन खुशहाल रहेगा। आप माता पिता के साथ किसी धार्मिक स्थल पर जा सकते हैं। प्रशिक्षण में तरक्की के नए अवसर प्राप्त होंगे। इस राशि की जो कामकाजी महिलाएं हैं, यानी कि वृश्चिक राशि की जो कामकाजी महिलाएं हैं, उनका ऑफिस में दिन काफ़ी शानदार रहेगा। और अगर आप हनुमान मंदिर में जाकर नारियल का दान करते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा आज के दिन रहेगा। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर हमारी अगली राशि की, और हमारी अगली राशि है वो है धनु, यानी 9 नंबर की राशि। और धनु राशि वाले, अगर काम के सिलसिले में अगर आप कोई यात्रा करते हैं आज के दिन तो आपके लिए काफ़ी लाभदायक रहेगा। समाज में आपका सम्मान और रुतबा बढ़ेगा। कोई रिश्तेदार के घर में आने से आपके घर में जो है खुशी का माहौल बनेगा। पड़ोस के कुछ लोगों से आपकी मुलाकात हो सकती है। आपके सोचे हुए कार्य पूरे होंगे। अपने लक्ष्य को पूरा करने में आपको किसी की मदद ऑटोमेटिक मिल सकती है। जो लोग मार्केटिंग के फील्ड से जुड़े हुए हैं यहाँ पर, उनको आज कुछ अच्छे क्लाइंट मिल सकते हैं। आज आपको हर तरफ से लाभ ही लाभ मिलेगा।
और आप अगर किसी कन्या के पैर छूकर उसका आशीर्वाद लेते हैं तो आपके साथ जो है सब कुछ आज के दिन अच्छा होगा। उसके बाद हम बात करते हैं हम मकर राशि की। मकर राशि वालों के लिए हम बताते हैं, मकर राशि वालों को आज काफ़ी सारे कार्यों में सफलता मिल सकती है। आपको अजनबी लोगों पर भरोसा करने से बचना चाहिए। आपको अपनी योजनाओं के प्रति गोपनीयता बनाए रखनी चाहिए। किसी मित्र से मिलने आप उनके घर जा सकते हैं। आपकी दोस्ती फिर उनसे और भी गहरी होती जाएगी। हालांकि जीवन साथी के साथ जो आपके संबंध हैं उनमें थोड़ा सा जो है उतार चढ़ाव की स्थिति रह सकती है। जीवन साथी को खुश करने के लिए आप कोई उपहार उनको दे सकते हैं। आज के दिन आप किसी सामाजिक कार्य का हिस्सा बन सकते हैं। अगर आप मंदिर में दूध का दान करते हैं तो आपकी सभी समस्याओं का निवारण होगा। उसके बाद हम अगली जो दो राशियां हैं उनकी बात करते हैं, और हमारी अगली राशि है इसी क्रम में कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों के लिए हम बताते हैं, कुंभ राशि वालों आज आपके जीवन साथी के साथ आपके संबंध मधुर रहेंगे। कार्य क्षेत्र में आपको कुछ लोगों से पूरा पूरा सहयोग मिल पाएगा। इनकम के जो है नए सोर्स खुलेंगे। कुछ दिनों से रुका हुआ कोई जो कार्य है अगर आपका, तो वो आज आपका पूरा हो जाएगा। इस राशि के कॉमर्स के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए आज का दिन काफ़ी फेवरेबल रहेगा। किस्मत आप पर जो है मेहरबान रहेगी। आपको अचानक बिजनेस में बहुत बड़ा धन का लाभ मिल सकता है। जो लोग टूर और ट्रेवल्स के बिजनेस से जुड़े हुए हैं उनके बिजनेस में बहुत ज़्यादा वृद्धि होगी। अपने गुरुओं को प्रणाम करें और उनका आशीर्वाद लें, और उनका आशीर्वाद लेने से आपको जो है कार्य क्षेत्र में लाभ के बहुत सारे अवसर प्राप्त होंगे। उसके बाद हम बात करते हैं लास्ट की जो हमारी राशि है, मेन राशि 12 नंबर की जो राशि है। आज किसी काम में आपको अपने भाई बहन का सपोर्ट मिल सकता है। अपने परिवार के साथ आप कुछ बेहतरीन पलों का आनंद उठा सकते हैं। कार्य क्षेत्र को बढ़ाने के लिए आप किसी के साथ आप मीटिंग कर सकते हैं। आज आप खुद को एनर्जेटिक महसूस करेंगे। कैरियर में आपकी तरक्की के नए रास्ते खुल सकते हैं। कुछ खास जगहों पर आपकी प्रशंसा होगी। स्टूडेंट्स पढ़ाई में काफ़ी आगे रहेंगे। बिजनेस के लिहाज से की गई यात्राएं आपके लिए काफ़ी लाभकारी रहेंगी। ज़रूरतमंद को भोजन कराएं, आपको अपने सभी कार्यों में सफलता मिलेगी। तो आज के राशिफल में इतना ही। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको इस प्रकार के जो वीडियो हैं वो समय समय पर मिलते रहेंगे। धन्यवाद।